अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ बनाने जा रहे हैं बैंगन का भरता। इसके लिए हमने 3 अदद बैंगन लिए हैं। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, हरा धनिया, 4 से 5 हरी मिर्चें और ये मैंने साबुत लहसुन के जवे लिए हैं। स्पाइसेस में हम डालेंगे नमक, लाल मिर्च, हल्दी, कुटा हुआ धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला। अब हम सबसे पहले अपने ये बैंगन को रोस्ट कर लेते हैं। बैंगन को हम रोस्ट करने से पहले इसमें 3 से 4 कट लगाएंगे। और इसमें ये जो हमने लहसुन के जवे रखे हैं ये डाल देंगे। ये देखिए लहसुन अब हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए बैंगन अब हमने रोस्ट होने के लिए रख दिए हैं। जब तक ये हमारे बैंगन रोस्ट हो रहे हैं तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। ये हमने 2 टेबलस्पून तकरीबन ऑयल लिए, जब हम प्याज डाल देते हैं। प्याज अब हमारा ट्रांसपेरेंट हो चुका है, अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। अब हम इसमें से स्पाइसेस ऐड करेंगे, नमक डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे 1 चम्मच, हल्दी, गरम मसाला और जीरा पाउडर। ये देखें बैंगन अब हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसको पील कर लेंगे। एक बाउल में हमने पानी लिया, इसमें अब हम इसको डिप करेंगे और इसके छिलके उतार लेंगे। ये देखें बैंगन का हमने गूदा निकाल लिया है, मसाला हमारा तैयार है। हम इसमें ये गूदा शामिल करते हैं। ये देखें बैंगन और हमारा जो मसाला हमने तैयार किया था इसको हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसको कवर कर देंगे और हल्की आंच पे दम दे के रख देंगे। ये देखें हमने दम पे रखा था बैंगन को, अब हम इसका कवर उठा लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि हमारा सालन रेडी है कि नहीं। ये देखें मज़ेदार बैंगन का भरता हमारा बनके तैयार हो चुका है। नमक और मिर्च आप इसमें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक और भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें धनिया डाल देते हैं, ज़ीरा डालेंगे। उम्मीद है आपको आज की डिश हमारी पसंद आई होगी।